मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके बने, 24-24 किसानों को मारे। संसद में शिवराज क्यों हो गए आग बबूला और किसे कह दिया कि छोड़ूंगा नहीं? मैंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये बात आज शिवराज सिंह चौहान राज्यसभा में कहते नजर आए। लेकिन आम तौर पर बेहद शांत स्वभाव के रहने वाले शिवराज का ये रौद्र रूप देखने को क्यों मिला, इसकी बात है। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र इन दिनों चल रहा है और किसानों के मुद्दे पर खूब हो हल्ला हंगामा हो रहा है। खास तौर पर MSP की बात करें तो MSP लागू करने को लेकर विपक्ष न केवल सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है बल्कि इस मामले में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसके लिए घेर भी रहा। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल देश के कृषि मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने वाले शिवराज लगातार अपनी बात सदन में रख रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार ने अभी तक किसानों के लिए क्या किया है और क्या कदम उठाए। तो उसको ऊंची ब्याज की दरों पर लेना पड़ता था। इस किसान सम्मान निधि के कारण किसान स्वावलंबी भी हुआ है, किसान सशक्त भी हुआ है और किसान का सम्मान भी बढ़ा है। ये किसान का सम्मान देख नहीं सकते माननीय सभापति महोदय। एक रिपोर्ट माननीय सभापति महोदय, जो हमारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की है। एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत वितरित धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों के लिए ऋण संबंधी बाधाओं से मुक्त किया है और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया है। इस योजना ने किसान की जोखिम लेने की क्षमता को भी बढ़ाया है, जिससे वे कृषि क्षेत्र में संभावित रूप से अधिक उत्पादक निवेश करने में सक्षम हुए हैं। बीते दिनों भी याद होगा संसद में उन्होंने कहा था कि MSP को लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसकी लगातार बैठकें चल रही हैं और जल्द ही जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो कमेटी की अनुशंसा होगी, इस पर सरकार कोई फैसला लेगी। बीते दिनों भी राज्यसभा में इसी मामले को लेकर खूब हो हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सदन से बाहर जाने तक के लिए कह दिया था और कह दिया था कि खूब हंगामा हो रहा है। ये टिप्पणी क्यों उन्होंने की थी? धनखड़ ने दरअसल ये कहा था कि कोई कृषि मंत्री बहुत गंभीरता से अपनी बात रख रहा है, किसानों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और आप लोग हंगामा कर रहे हैं। खैर ये बात तो पुरानी हुई, लेकिन आज क्या हुआ? आज दरअसल एक बार फिर से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। किसानों की आत्महत्या का मामला यहां पर चल निकला और फिर क्या था, शिवराज सिंह चौहान हो गए आग बबूला, उठ खड़े हुए और ऐसा बोला कि हर कोई बस सुनता। सभापति महोदय, मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है माननीय सभापति महोदय। इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सने, 24-24 किसानों को मारे। माननीय सभापति महोदय, मैं केवल विषय पर बोलना चाहता था। आप क्यों करे? अब इन्हें छेड़ा है, अब इन्हें छेड़ा दिए। सुन ले मंत्री जी को, 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी, 23 किसानों की मौत गोलीबारी से हुई थी इनकी सरकार। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर किसानों पर गोली चलाई गई माननीय सभापति महोदय, उसमें दो किसान मारे गए। 1988 में मेरठ में इनने किसानों पर फायरिंग की, 5 किसान मारे गए। 23 अगस्त 1995 अब सुन के जाओ, दम है तो सुन के जाओ मंत्री जी, मंत्री जी सुन के जाओ। 23 अगस्त 1995 हरियाणा में गोली चलाई, 6 किसान मारे गए। 12 जनवरी 1998 मुल्ताई में किसानों पर गोली चली कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। नंदीग्राम आंध्र प्रदेश में 2010 में मान्य किसान मारे गए। 8 मई मंत्री जी, मान्य मंत्री जी,
माननीय सभापति जी, मैंने कहा था मैं शालीनता से बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए। लेकिन ये छेड़ेंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले लिया और विपक्ष पर भड़कते हुए, बाकायदा भड़कते हुए ये भी कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे अगर छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा। जब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब किसान मारे गए थे। दिग्विजय सिंह को घेर लिया, उन्होंने कहा कि सामने दिग्विजय सिंह बैठे, इनके हाथ खून से सने हुए, 24-24 किसानों को मारा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कांग्रेस की सरकार के दौरान जो गोलीकांड हुए उसको गिनाना शुरू कर दिया। कहा 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी तब गोलीबारी हुई, 23 किसानों की उसमें मौत हुई थी। 1988 में दिल्ली में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर गोली चलाई गई थी, उसमें 2 किसान मारे गए थे। 1988 में मेरठ में किसानों पर गोलीबारी हुई थी, 5 किसानों की मौत हुई थी। 23 अगस्त 1995 का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, कहा कि इनकी सरकार ने गोली चलवाई जिसमें 6 किसान मारे गए। 19 जनवरी 1998 को उन्होंने मुल्ताई एमपी में कांग्रेस किसानों पर गोली चलाने की बात कही, कांग्रेस की सरकार का जिक्र किया और बताया कि 24 किसान इसमें मारे गए थे। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान नेहरू के जरिए भी कांग्रेस को घेरते नजर आए। कृषि मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जब 15 अगस्त के उनके सारे भाषण हमने पढ़े तो 1947 में एक बार भी किसान का नाम उन्होंने नहीं लिया, 48 में एक बार लिया, 49 में एक बार लिया, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 एक बार भी किसान शब्द उनके भाषण में नहीं आया। और ये कांग्रेस की प्राथमिकता है, उन्होंने बताया। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि हम किसान सम्मान निधि पर हम चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस ने किसानों को सीधी मदद की बात की, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी कोई योजना तो बनाई ही नहीं, और ये योजना हमारे प्रधानमंत्री ने बनाई थी। और वे विपक्ष को निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के समझ में नहीं आएगा लेकिन छोटे छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपए की रकम बहुत मायने रखती है। इस किसान सम्मान निधि की वजह से किसान आत्मनिर्भर बने, किसान सशक्त हुए और किसानों का सम्मान इससे बढ़ा। लेकिन कांग्रेस को तो ये सब कुछ नजर आता ही। 18 में 17 बार। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एमएसपी पर सरकार जल्द ही कोई फैसला लेगी? शिवराज सिंह चौहान अपनी अलग छवि के लिए जाने ही जाते हैं। किसान सम्मान निधि जब केंद्र की तरफ से शुरू की गई थी तब वे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की भूमिका में थे और उन्होंने इसी तर्ज पर किसानों की मदद के लिए प्रदेश में भी एक अलग योजना शुरू कर दी। तो क्या शिवराज जैसे एमपी में बहनों के भाई और मामा के लिए जाने जाते हैं, मामा के तौर पर जाने जाते हैं, वैसे ही क्या वे बतौर कृषि मंत्री अपनी कोई छाप छोड़ पाए? क्योंकि किसानों की जितनी उम्मीदें शिवराज सिंह चौहान से हैं उतनी ही उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शिवराज सिंह चौहान से। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। इनके साथ जो दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके बने।